हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दो स्टॉक से रिलेटेड फार्मा के स्टॉक है जो सौ रुपए से नीचे के हैं और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फार्मा के स्टॉक ऑलरेडी काफी नीचे आ चुके हैं कुछ टाइम और तीन से छह महीने शेयर भागते हुए नजर आएंगे अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे फार्मा में तो इन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिएगा जहां पर मार्केट uh, की गिरावट के बावजूद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे अच्छे रिजल्ट है सब कुछ अच्छा है अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे uh, कुछ क्वेरीज आई थी क्वेरीज में कुछ स्टॉक्स थे उनसे रिलेटेड कुछ जानना था तो मैंने उन स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाना जा रहा हूँ तो उस uh, आपको भी देखना चाहिए क्योंकि कहीं कही ना कहीं ये स्टॉक्स काफी बेहतरीन है और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जानते हैं वीडियो में कौन कौन से शेयर है बट बिफोर द वीडियो में आगे इन्वेस्ट फॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन कौन जितना हो सके सीखिए जितना सीखेंगे उतना पैसा आगे वाले टाइम में बनाते हुए नजर आएंगे तो सबसे पहले जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं उसका नाम है जेटीएल इंफ्रा तो जेटीएल इंफ्रा करता क्या है तो ये स्टील ट्यूब्स पाइप्स एंड प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो एक बिल्कुल साइडवे जोन में यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है ओके यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे मेटल स्टॉक कहीं ना कहीं ये मेटल से ताल्लुक रखता है तो कहीं ना जहां पर दूसरे मेटल स्टॉक अपने सारे के सारे सपोर्ट तोड़ के नीचे चलते हुए नजर आ रहे हैं ये स्टॉक एक साइडेस्ट जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है तो क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कब इन्वेस्ट करना चाहिए रिलेटेड भी बातें करेंगे तो यहाँ पर आते हैं वीडियो में तो कंपनी करती क्या है सबसे पहले देखिए कंपनी जेटीएल जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टील ट्यूब पाइप एल प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है हॉट डिप्टै गैल्बनाइज ग्या, ग्या, स्टील प्रो, प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंपनी है ओके अः यहाँ पर सोलर में भी काम करती हुई नजर आती है ओके okay, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी काम करती हुई है, और जितने भी ये प्रोडक्ट्स ट्यूब्स एंड ऑल ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला है भारत की आने वाले दस साल में ओके okay, बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ uh, होने वाली है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है क्यों है तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे यहाँ का ये दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है ओके okay, आपको दिख रहा होगा अभी अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत रोड्स एंड ऑल यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं बट स्ट यहाँ पर देखिए ओके okay, पर इंफ्रास्ट्रक्चर है बट इतना अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मुंबई का भी देखेंगे कुछ प्लेसेस में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नजर आता है अदरवाइज मुंबई में भी कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैंगलोर की बात करें थोड़ा बहुत वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है बट स्टिल यहाँ पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की, की जरूरत है जब हम बात कर रहे हैं कि भारत को यहाँ पर एक सुपर पावर बनना है भारत को यहाँ पर एक Uh, अगर हम बात करें एक अच्छा खासा एक कंट्री बनना है जिसमें इकोनॉमी के बेसिस पे अच्छा खासा हो सब चीज अच्छा खासा हो तो जब यहाँ पर सुपर पावर बनना है पर पर कंपनी हमारे भारत को सुपर रिच बनना है है हर एक की इनकम बढ़नी है, तो सब चीज बढ़नी है तो उसमें कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर रोल प्ले करती है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आप बात करेंगे सबसे पहले इंडिया को किससे कंपीट करना है चाइना से तो यहाँ पर चाइना की यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है चाइना के पास तो हम यहाँ से दूर दूर तक यहाँ पर इनके पास नहीं है, आने वाले दस साल में हम कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने वाले हैं तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है हमें हमारे भी इसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी फॉरन कंपनी फॉरन इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट नहीं करने वाली ओके okay, तो इस चीज को थोड़ा सा हमें समझ के लेना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में हम अमेरिका की बात करें वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए काफी बेहतरीन नजर आता है तो यहाँ पर आपको चीजें समझनी होगी इसके अगेंस्ट में हम बात करें तो दूसरी चीज क्या आर्मी यहाँ पर याद रखिए विदाउट आर्मी ओके okay, कोई भी कंट्री यहाँ पर जब तक फॉरन इन्वेस्टर्स का भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगी कि यहाँ पर आर्मी अच्छी है यहाँ पर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी हम अगर कल की डेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहेगी पाकिस्तान में क्यों नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते क्योंकि वहां पर कहीं कहीं भी कोई भी बम आ, लगा के बिल्डिंगों को, को उड़ा देता है किसी को स्कूलों को उड़ा देता है तो वहां पर ऐसी कंट्री में कोई इन्वेस्ट नहीं करता तो आर्मी के मामले में हम अच्छे हैं बट स्टिल हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात

स्प्लिट भी हुआ होगा बोनस भी हुआ होगा तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये जितने छोटे स्टॉक हो या बड़े स्टॉक हो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ, कहीं ना कहीं हमारे भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में ओके भारत की इकोनॉमी को यहाँ पर सहयोग प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है और ऑलवेज कहता हूँ जो छोटी कंपनी होती है वहां पर इन्वेस्ट करोगे रिस्क जरूर ज्यादा रहेगा बट जब रिटर्न की बात होगी रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा मार्केट कैप की बात करें तेरह सौ अट्ठाईस करोड़ का मार्केट कैप है छब्बीस के पी पे चल रहा है शेयर इंडस्ट्री का पंद्रह है तो कहीं ना कहीं महंगा नजर आता है बट आर ओ सी आर ओ देखिए थर्टी एट और फोर्टी वन इस तरीके के आर ओसी नहीं मिलते और फिफ्टी परसेंट तक का यहाँ पर डेट है ज्यादा यहाँ पर डेट भी नहीं है तो अगर हम यहाँ पर बात करें कंपनी का शेयर साइड बेस क्यों है तो साइड बेस का रीजन सिंपल ये है कि कंपनी पहली बात तो मेटल के स्टॉक गिर रहे हैं ये स्टॉक फिर भी यहाँ पर खड़ा हुआ है ओके अपने सपोर्ट को यहाँ पर बात करें यह बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है ये जब तक इस सपोर्ट

है बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है बट असली तेजी के लिए ऊपर का लेवल यहाँ पर जानना जरूरी है तो अभी जब तक शेयर इस लेवल को ना निकाल ले इन्वेस्टमेंट की मत सोचिए ओके और नीचे या फिर कंपनी के रिजल्ट अच्छे ना आ जाए इस चीज को यहाँ पर थोड़ा समझना होगा रिजल्ट एक जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कंसोलिडेशन और गिरावट सब में होती है है बट उसके बाद जब शेयर भागता है, तो, अच्छा खासा से भागेगा। तो ये दो लेवल को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा बाकी कंपनी की बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है बट लगातार यहाँ पर बेचते हुए नजर आए पब्लिक की होल्डिंग की बात करें लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है बट इसमें भी आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों ने हिस्सेदारी ले रखी है और तो यहाँ पर सपोर्ट पर नजर आता है दो सौ चार यहां पर अच्छा सपोर्ट है नीचे या अगर इस लेवल पे मिलता है और कुछ ऐसी कैंडल बनती है जैसे कि हैमर वगैरह तो उस टाइम हम यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं ऊपर नीचे ऊपर ऊपर के लेवल की बात करें तो अगर नीचे के लेवल पे हम खरीदते हो और यहाँ तक शेयर आ जाता है तो अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर तीस तक के बनते हुए नजर आ रहे हैं बट यहाँ पर इस लेवल को जब तक क्रॉस ना कर दे तब तक यहाँ पर बाइंग करने की मत सोचिएगा अदरवाइज यहाँ पर ऊपर के लेवल पे ले जाके आपको फंसा सकते हैं तो एक स्टॉक यहाँ पर ये यह हो गया इसके अलावा एक और स्टॉक है जिससे रिलेटेड में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने शायद वीडियो बनाई थी इफ आई नोट रहा हूँ और बार बार यहाँ पर वीडियो बनाता आ रहा हूँ अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ यहाँ मैं आपको तो आपको समझ में आएगा मेघ तो मेघमानी ऑर्गेनिक से रिलेटेड मैंने यहाँ पर काफी बार वीडियो बनाई है देखिए मेघमानी ऑर्गेनिक सात महीने पहले छह महीने पहले तो काफी बार यहाँ पर मेघमानी से रिलेटेड वीडियो हमारी आती रहती है क्यों क्योंकि हम पर अलग अलग वीडियो के बारे में बता के सिखाते रहते हैं तो मेघमानी एक अच्छा स्टॉक है नो no डाउट इस बार यहाँ पर पी की बात करें ग्यारह है इंडस्ट्री का तेईस है बहुत कम प्राइस में चल रहा है आर ओ काफी बेहतरीन चौबीस बाईस चौतीस का डेटा स्मॉल कैप कंपनी है जब जिस दिन भागेगी अच्छा खासा रिटर्न देती हुई नजर आएगी क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे हाइएस्ट एवल और था पर तेजी है और मार्जिन की भी बात करें की अच्छा कहीं कहीं बात की की okay, तो कंपनी का मार्जिन है बट कहीं कहीं ना कहीं जब यहां पर अगली बार के रिजल्ट आएंगे तो अगर सोलह परसेंट या सत्रह परसेंट के भी आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्जिन यहां पर कम रहेगा मार्जिन पर इफेक्ट आने की वजह से शेयर यहां पर गिरता हुआ नजर आ सकता है तो अभी अगर तेजी होती भी है एक बार चार्ट निकाल लेते हैं। मेघमानी में अगर तेजी होती भी है तो याद रखिए कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे ले जाके आपको फंसा सकते हैं तो यहां पर इस चीज को आपको समझना होगा इसने हाई बनाया था 149 का उसके बाद से लगा था गिरावट है और एक रेंज में यहां पर यह फंसा हुआ है ये शेयर। और अभी बिल्कुल भी मेरी राय नहीं रहेगी जब तक कुछ लेवल है जो मैं आपको बताऊंगा तो कंपनी के ईयरली क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट अच्छे हैं कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छी है ओके अगर किसी के पास पेशेंस है पांच दस, दस साल का तो इस शेयर को यहाँ पर चुन सकता है क्योंकि जब कंपनी यहाँ पर अच्छे रिटर्न अभी पेश कर रही है लगातार अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है और अच्छा खासा ये काम कर रही है तो अच्छा खासा रिजल्ट फ्यूचर में भी मिलते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर बात करें तो कंपनी के सेल्स बेसिस पे भी अच्छा खासे है कंपनी का प्रॉफिट तीन साल में यहाँ पर दो साल तीन में लगभग डबल होता हुआ नजर आया है प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है ओके okay, ऊपर की प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है एफ भी है गवर्नमेंट भी है पब्लिक की बात करें पब्लिक के आस भी अच्छे खास शेयर नजर आते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर ये अच्छे खासे सपोर्ट नजर आते हैं एक ये है, और एक का एक अच्छा खासा इसका लॉन्ग टर्म का यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है और ऊपर के लेवल की बात करें जब तक एक सौ जो इसका यहाँ पर हाई था ओके okay, इसे ना निकाल दे तब तक यहाँ पर तेजी का बिल्कुल मत करिएगा अदरवाइज कहीं ना कहीं आप फंसते हुए नजर आ सकते हैं तो ऊपर जाए ऊपर जाके शायद ये नीचे भी सकता है, तो ये राय से रिलेटेड रहेगी। इसके अलावा ला, ये जो दो स्टॉक है, है। इनकी तरफ आपको ध्यान देना अनुपम रसायन से रिलेटेड आपको वीडियो बना के बनाई है जाके देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा जितना हो सके सपोर्ट करिएगा